कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन में ईद की नमाज के लिए लोगों में तजब्जुब की कैफियत पाई जाती है। इसी कैफियत को देखते हुए इमाम काउंसिल ने गौर खौज के लिए एक मीटिंग मुनाकिद की। जामे इस्लामिया दार अरकम में मुनाकिदा इस मीटिंग में उलमाए कराम, हुफाज, आयमा मसाजिद के साथ पुलिस महकमा भी मौजूद था। मीटिंग के बाद ऐलान किया गया कि नमाज ईद भी जुमा की नमाज की तरह घरों में ही अदा की जाएगी। अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, ऐसे में नमाज के लिए जमा होना खतरे से खाली नहीं है। वहीं ईदगाह जदीद के खतीब व काजी सिद्दीक मोहुद्दीन ने इत्तला दी कि इस साल ईद की नमाज ईदगाह पर अदा नहीं की जाएगी। मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने भी तलकीन की कि घरों में जमात बनाकर नमाज ईद की अदायगी की जाए। इन्होंने इस बात को भी वाजे किया कि घरों में बनाई जाने वाली जमातों में खवातीन को भी शामिल किया जा सकता है। अक्सर मदारिस वालों ने, जिनमें दारुल उलूम देवबंद भी सर फहरिस्त है, उनकी तरफ से भी ये फतवा है कि घरों के अंदर भी नमाज ईद अदा की जा सकती है। अगर चार लोग मौजूद हों, जैसे जुमा के लिए चार शर्त हैं, ऐसे ही घर में भी चार आदमी हों तो नमाज ईद घर में पढ़ ली जा सकती है। तो ईद की नमाज़ पढ़ाने वाला कोई मौजूद हो तो पढ़ लें। और व्हाट्सएप पर आजकल छोटे छोटे खुतबे बहुत सारे चल चुके हैं, जो उर्दू जानते हैं या अरबी जानते हैं वो खुतबा देखकर भी पढ़ लें तो अदा हो जाएगा। और अगर खुतबा पढ़ने की इस्तेदाद नहीं है, सिर्फ दो रकात ईद के उनवान से भी पढ़ ली, तो चूँकि खुतबा ईद सिर्फ मसनून है, उसके छोड़ने पर भी ईद की नमाज़ अदा हो जाएगी। ऐसे ही जब घर के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मस्तूरात के लिए भी अब सामने उनवान है कि घर के अंदर नमाज हो रही है, तो वो भी ईद की नमाज़ में शामिल होना चाह रही हों। तो औरतों के लिए ये मसला है कि बाज़ाब्ता वो ईद के लिए घर से बाहर निकलना उनके लिए मना है, घर छोड़कर बाहर जाना ईद की नमाज़ के लिए इसको मना किया है। लेकिन अगर अब ईद की नमाज ही घर में हो रही है तो औरतें भी पर्दे का ख्याल करते हुए मर्दों के और बच्चों के पीछे की सफ़ में ईद की नमाज में शामिल हो सकती हैं और ईदुल फितर की नमाज़ अदा कर सकती हैं। हमारे लिए ये यकीनन दुख भरी बात भी है कि हम इस साल की ईदुल फितर ईदगाह या मस्जिद में नमाज ईद अदा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चूंकि हमको अपने शरीयत ने कहा कि तुमको अपनी नमाज से ज़्यादा तुमको अपनी जान की हिफाजत की तुम पर जिम्मेदारी है, तो उसके चलते हुकूमत वक्त पुलिस महकमे के ज़रिए से जो हम पर कवानीन को लागू किए हैं उसका हमको जो तो अमल करते उस पर पाबंदी करते हुए नमाज ईद चूँकि मस्जिद या ईदगाह में हो सकती है, घरों में नमाज ईद नहीं होती है, इसलिए उल्मा ने कहा है, मुफ्तियान कराम का फतवा यह कि नमाज ईद के बजाय नमाज शुक्राना या नमाज चाश्त अब अपने अपने घरों में अदा करें और हो सके तो आप अपने घर के ही अफराद के साथ मिलकर करें। इतना ही हमारी आपसे गुजारिश है। जामिया इस्लामिया दार अरकम हस्सापुर में हमने शहर के उलमा मुफ्तियान इकराम आइम्मा इकराम की इमाम काउंसिल की जानिब से और जमीयत उलमा की जानिब से एक मीटिंग मुनाकिद की है। उलमा इकराम ने जो ऊपर से हमको हिदायतें मिल रही है उसका हम आवाम में तशहीर करते हुए ये कहना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले ईदुल्फितर को हम ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करें। अगर वहाँ पर कोई पढ़ाने वाला हो तो जमात के साथ अदा करें, और अगर कोई भी खुतबा देने वाला या जमात से नमाज़ पढ़ाने वाला ना हो तो फिर हम इनफरादी तौर पे ही चाश की नमाज़ अदा कर लें या नमाज शुक्राना अदा कर लें। और जो भी हुकूमत हमसे मुतालबे कर रही है उसके क़ानून का पालन करें और हमारे मुफ्तियान इकराम जो हमको हिदायतें दे रहे हैं शरीयत की रूह से उसको भी हम मद्देनज़र रखते हुए उस पर अमल करें। आदेश की बात नहीं होती है, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये प्रशासन के जो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, कोविड-19 का जो एक्ट है अभी नया जारी हुआ है पूरा हमारे देश के लिए, इसी में जो कॉन्टैक्ट है जो संचारबंदी जैसे रहते हैं या चार या पांच लोगों के ऊपर चार लोगों के ऊपर एक दूसरे में नहीं मिलना चाहिए, कोई प्रोग्राम हो ये नहीं होना चाहिए, जिसको अनुमति होती है जिसमें SP और कलेक्टर को पावर रहते हैं कि जो अनुमति के प्रोग्राम है वो ख़त्म उसके बावजूद कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो इसी में ये आदेश की ये नहीं है, समाज के हित के लिए और खुद के हित के लिए हमारे कुटुंब के लिए हम ये आदेश करने का जो माननीय कलेक्टर साहब को पावर होता है इससे होता है।